नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार गुप्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको मिलवाने वाले हैं अपने एक सुपर सीनियर भैया से जिनका नाम है दीपक कुमार और वो आईआईटी आईएसएम धनबाद से इन्वायरमेंटल साइंस से एमटेक कर रहे हैं। तो उनसे कुछ बात करेंगे और जो भी हम लोग को गेट से रिलेटेड या कॉलेज लाइफ से रिलेटेड जो भी थोड़ा सा क्यूरी होगा उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसे होता ये है कि जैसे हम लोग को जितना जानकारी होता है ऐसा लगता है कि सफिशियंट जानकारी है, मतलब दिस मच इज सफिशियंट फॉर मी, ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे हम लोग जब काउंसलिंग करवाते हैं तब हम लोग को जब ऑप्शन दिखता है तब पता चलता है कि यार ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये काश इस सब का जानकारी मुझे पहले होता। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम कुछ रिलेटेड बात करेंगे अपने सुपर सीनियर भैया से। तो चलिए आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू माई चैनल भैया और थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट। एंड भैया, हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो भी हम लोग का गेट से रिलेटेड है या फिर हम लोग का जो भी क्यूरी है अपने कॉलेज से रिलेटेड। तो हम आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसके जवाब मिलने के बाद हमको, मतलब हम लोग का थोड़ा सा क्यूरी दूर होगा। तो भैया थोड़ा सा अपने बारे में। देखो, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं 10th नवोदय विद्यालय से किया हूँ और बीटेक द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से सिविल इंजीनियरिंग से 2020 पास आउट हूँ। अभी मैं आईआईटी आईएसएम धनबाद से एमटेक कर रहा हूँ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से। दैट्स ऑल। फर्स्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों का। अभी मेरा छुट्टी चल रहा है और सेकेंड ईयर अप्रोक्सीमेटली 10 अगस्त से शुरू होगा। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं सबसे अपना पहला क्वेश्चन पर। जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब भी गेट का तैयारी करते हैं या गेट का एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरते हैं ना, तो दिमाग में दो चीज़ को ही रखते हैं मात्र। जैसे पहला रखते हैं कि हमको पीएसयू मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रैंक रहेगा, तो दूसरा रखते हैं कि हमको आईआईटी से एमटेक करने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं। तो इसके अलावा हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है भैया, हम इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। या आप जिस समय काउंसलिंग करवाए थे भैया, तो आपको उसके बारे में पता चला होगा कि भाई ये जो ऑप्शन है हमको पहले जानकारी नहीं था, ये काउंसलिंग के दौरान हमें जानकारी हुआ। तो भैया उन चीज़ों के बारे में हम जानने का आपसे मतलब इच्छुक रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे भैया। बिल्कुल, जो तुम बोल रहे हो ना कि जो गेट का अच्छा स्कोर रहेगा तो पीएसयू में हम जाना पसंद करेंगे, एकदम सही बात है। सभी इंसान का इच्छा होता है कि हम पीएसयू में काम करें, वहाँ पे एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिलता है लोगों को। लेकिन अगर आपका रैंक थोड़ा सा कम है और गेट स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, है ना। आईआईटी से एमटेक करने का दो मतलब कि चीज़ है जो हम बोलना चाहेंगे। फर्स्ट है कि आप आईआईटी चाहते हैं या ब्रांच चाहते हैं। अगर आप आईआईटी चाहते हैं तो आपको ब्रांच से हो सकता है कम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन अगर आपको ब्रांच चाहिए तो आईआईटी से आपको कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज, अच्छा आईआईटी चाहिए तो सबसे पहले आपको ना बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, जिससे कि उस स्कोर पे आपको ब्रांच और कॉलेज दोनों मिल सके। ये है। और बस, और आईआईटी से एमएस भी होता है जो कि गेट स्कोर के थ्रू भी होता है, है ना। और फिर सीसीएमटी के थ्रू एनआईटी में एडमिशन होता है। तो दिस इज ऑल। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहाँ भी गेट के थ्रू एडमिशन होता है। तो आप इसके साइट पे, गेट के साइट पे और फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेजेस के साइट पे जाकर उस पर देखिएगा तो आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। भैया हम गेट के बाद यदि हम एक प्राइवेट कंपनी में जाना चाहें तो उससे हम मतलब गेट के थ्रू हमें उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा या नहीं? बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं ना वो गेट स्कोर को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन गेट स्कोर वो उतना लेवल का प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए, है ना। वो सिंपली आपके बेसिक स्किल्स देखते हैं और आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट के प्रति कितने सजग और वफादार हैं। तो प्राइवेट कंपनीज थोड़ा सा इतना देखता है, लेकिन हाँ, अगर आपको गेट में अच्छा स्कोर है तो दे विल डेफिनेटली प्रेफर यू। और भैया इसरो में या बार्क में जो आपको मतलब गेट के थ्रू जो मतलब जिस समय आप काउंसलिंग करवाए होंगे तो आपको पता चला होगा ना कि कहाँ पर मेरा कितना ऑप्शन बन रहा है, तो उधर कितना ऑप्शन बनता है और उधर क्या स्कोप है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे इसरो बोल रहा है ना, जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, तो वो डिपेंड करता है। जैसे बार्क का हम बात करें तो बार्क जो अपना इंटरव्यू का कट ऑफ निकालता है वो गेट स्कोर से भी निकालता है और बार्क का अपना एग्जाम भी होता है। तो ईयर टू ईयर वेरी करता है कि वो किस ईयर में वैकेंसी निकल रहा है। तो डेफिनेटली एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि आपका गेट के थ्रू ही बार्क में हो सकता है, इसरो में हो सकता है, बट हाँ,
हाँ, अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा है तो आप इंटरव्यू कट ऑफ कर सकते हैं, या फिर उसका जो रेस्पेक्टिव एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप इस इन सब चीज़ों में ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बार्क आई विल से। तो भैया हम अब आते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पर। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम लोग का गेट में अगर 1,000 के अंदर रैंक है तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, अगर 1,000 से 3,000 के बीच में आए तो हम लोग को क्या मिलेगा, और 3,000 से ऊपर आए तो हम लोग को अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए, और हम लोग को क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे भैया। हाँ देखो, इस पे हम बात करना चाहेंगे ना, जैसे पीएसयू की बात अगर करते हैं तो पीएसयू हर एक साल डिपेंड करता है कि कितना सीटें निकाल रही है, तो जरूरी नहीं है कि जिस साल आपका स्कोर बहुत अच्छा रहे तो आपको पीएसयू मिल जाए, हो सकता है उस साल आपका आपके लिए पीएसयू का सीट ही कम जाए, है ना, पीएसयू रिक्रूटमेंट का सीट ही कम जाए। और जहाँ तक बात है, हम शुरू में ही बताए थे कि दो चीज़ होता है, ब्रांच और कॉलेज। अगर आपको बहुत अच्छा ब्रांच चाहिए और बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको हाई स्कोर गेन करना पड़ेगा गेट में। अगर आपको ब्रांच से ज़्यादा मतलब नहीं है कि हमको बस आईआईटी चाहिए, तो बहुत कम स्कोर में भी हो सकता है आपको आईआईटी, जो लोअर ब्रांच होते हैं, जो जिनका प्रेफरेंस कम होता है लोगों के बीच, जो स्टूडेंट के बीच, तो हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन ऑब्वियसली आपको अच्छा स्कोर और अच्छा अगर आपका स्कोर है तो आपको कॉलेज और ब्रांच दोनों अच्छा मिल सकते हैं। भैया जो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर रैंक मेरा अगर 3,000 से ऊपर जाएगा तो हम लोग को क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, ये मेरा देखो, क्वेश्चन था रैंक भैया। रैंक डिपेंड करता है, जैसे हम बात करते हैं गेट का जो स्कोर होता है ना, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो रैंक इज नॉट अ फैक्टर टू डिसाइड विच कॉलेज यू विल गेट। द मेन फैक्टर इज योर स्कोर। इफ योर स्कोर इज बेटर देन अदर्स, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड प्रेफरेंस देन हिम और हर। जस्ट लाइक ना, हम बताना चाहते हैं जो गेट का एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, लेकिन होता क्या है ना कि जो गेट का जो मार्क्स होता है ना, वो गेट स्कोर में कन्वर्ट होता है। और अगर मान लो इस साल तुम्हारा रैंक 2500 है और गेट स्कोर तुम्हारा मान लो है 600 या 700 है, और हो सकता है अगले साल जो आपके पिछले साल का है ना, उसका गेट स्कोर 650 था, लेकिन हो सकता है उसका स्कोर पीछे हो, है ना। तो इसका मतलब वो नहीं कि आपका रैंक कम है तो आप उनसे आगे हैं। अगर जिनका गेट स्कोर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, जो 1000 में कन्वर्ट होके आता है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये है कि गेट स्कोर इज द मेन फैक्टर टू डिसाइड विच कॉलेज यू विल गेट। ओके, और हाँ, टॉप रैंकर हैं तो आप पीएसयू में जाना पसंद करिएगा, उससे उसके बाद आप आईआईटीज और फिर सीसीएमटी के काउंसलिंग के थ्रू आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, ये सब में एमएस जो होता है वो भी आपके कॉलेज का परसेंटेज और गेट स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन वहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू भी मेन फैक्टर होता है, दैट द ऑल अदर थिंग, बट गेट स्कोर इज मेन द थिंग आई विल से। भैया हम एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि जिस समय आप तैयारी करते थे तो उस समय आपके ढेर सारे दोस्त होंगे, और जिस समय मतलब आपका रैंक आया तो आप आईएसएम धनबाद में चले गए, और बाकी जो आपका दोस्त लोग हैं जो अभी कहीं कहीं सेटल होंगे, और तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे भैया कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। हम ज़्यादा जो मेरा फोकस है वो ऑप्शंस पर है भैया। देखो, एक एक का ना रैंक मतलब हमसे मतलब गेट स्कोर हमसे थोड़ा सा कम ही था, लेकिन वो एमएस कर रहा है आईआईटी मद्रास से, है ना, तो उसका कॉलेज परसेंटेज बहुत अच्छा था, ये कॉलेज परसेंटेज बहुत अच्छा था, तो वो इंटरव्यू निकाल के फिर एमएस अभी आईआईटी मद्रास से कर रहा है। और कुछ लोग का गेट स्कोर अच्छा भी था, लेकिन वो फिर ड्रॉप ले लिए, उनका इस साल गेट में बहुत अच्छा रैंक आया है। और एक एक और लड़के थे जिनका आईआईटी पटना मिला था, लेकिन वो अपना जो कैरियर है वो आईटी कंपनीज की ओर स्विच कर लिए हैं अभी, तो वो फिर भैया एक क्वेश्चन और है कि हम सुने हुए हैं कि यदि आपका रैंक हाई भी है तो आईआईटी में इंटरव्यू के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइएगा। हाँ, ये होता क्या है ना कि बहुत सारे जो आईआईटी हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, अगर गेट स्कोर का वो कट ऑफ निकाले हैं तो हो सकता है कि वो गेट स्कोर का कट ऑफ निकालने के बाद वो इंटरव्यू भी ले, तो उसका रेशियो होता है 60% फॉर गेट स्कोर एंड 40% फॉर इंटरव्यू। बट वो साल दर साल डिपेंड करते हैं, जैसे इस साल कोविड-19 की वजह से जिस साल हम एडमिशन लिए थे तो एमटेक के लिए शायद आईआईटी आईआईटी गुजरात में है,
ना आईआईटी कोई गुजरात में है तो उसमें इंटरव्यू हुआ था, लेकिन और सारे आईआईटीज में इंटरव्यू नहीं हुए थे, लेकिन उससे पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो हर एक कॉलेज, लगभग सारे कॉलेज में इंटरव्यू जरूर होते थे। तो वो डिपेंड करता है कि किस साल क्या सिचुएशंस है ना। तो ये है, तो हर एक साल आप उसके अलग अलग आईआईटीज के साइट पे जाके देख सकते हैं जिस साल काउंसलिंग कर रहे हैं, इस साल इंटरव्यू शेड्यूल है कि नहीं है। तो दैट इज वे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि हम एक कोर ब्रांच से हैं, मतलब आईटी ब्रांच से, आईटी या सीएससी ब्रांच से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके बाद मेरे पास ऑफ कैंपस, क्योंकि एवरेज बिलो एवरेज कॉलेज में ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऑफ कैंपस हम लोग का क्या स्कोप बनता है? और मान के चलिए कि यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग में बिना गेट किए या ऑफ कैंपस में क्या स्कोप बनता है, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग है ना, सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट होने वाले हैं फाइनल ईयर में, या फाइनल ईयर में ना, उनके लिए मेनली है। एक और एग्ज़ाम होता है, एलएनटी करके एक कंपनी है, वो बीआईएस करके एग्ज़ाम लेती है। उसके थ्रू ना, अगर आप उसके कट ऑफ, मतलब कि एप्टी का जो गेट का ही सिलेबस ऑलमोस्ट रहता है, तो उसके आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर इंटरव्यू भी उसके क्लियर कर लेते हैं, तो आपको एमटेक, वो चार कॉलेज है टॉप, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, एनआईटी सूरत का हो गया, और कोई एक है, हमको याद नहीं है अभी एग्जैक्टली। तो वहाँ से ना वो आपको एमटेक करवाते हैं और फिर आपको वो जॉब भी ऑफर कर देते हैं। तो ऑप्शन है ना, सिर्फ गेट ही ऑप्शन नहीं है, एलएनटी का बीआईएस ऑप्शन है, फिर बहुत सारे अलग अलग पीएसयू होते हैं ना, वो अपना भी एंट्रेंस लेते हैं, जैसे सीआईएल अपना एग्जाम लेता है, बार्क अपना एग्जाम लेता है। तो वो हर एक साल डिपेंड करता है, आप हर एक साल अलग अलग, हर एक पीएसयूज के, हर एक कंपनीज के अलग अलग साइट पे जाके वहाँ पे आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाइएगा और उस साल का सिनेरियो जान पाइएगा, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि उस साल ऐसा हुआ था तो इस साल भी ऐसा ही होगा। वो डिपेंड करता है कि उस साल का नोटिफिकेशन वो सरकार कैसे जारी किया, वो कंपनीज कैसे जारी किए हैं। मतलब यदि हम एक सिविल इंजीनियर हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है एलएनटी का बीआईएस एग्ज़ाम, और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भैया? उतना देखो, उतना तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके कॉलेजेस में कौन सा कंपनीज आ रही हैं, हम आपको किस तरह ये लॉ है कि हमको उस कंपनी में काम करना है, इस तरह की कंपनी में काम करना है ना। अगर कोई बार्क में जा रहा है, ONGC में जा रहा है ना, IOCL में जा रहा है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कर पा रहे हैं। चलिए भैया, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि हम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक, मतलब गेट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? और मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो सोच है ये सही है या कुछ और ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, तो कुछ इसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए। हाँ, ये एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि जो गेट है ना, वो गेट का फुल फॉर्म नहीं है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बहुत एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है तभी आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। अगर आप ठीक से 8 से 9 महीना या 10 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप ऑब्वियसली अच्छा कर पाइएगा। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आप उस तैयारी के दौरान आपका अप टू मार्क तैयारी नहीं है, इसलिए आप शायद फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन आप तो डेडिकेटली 8 से 10 महीना गेट के प्रति देते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी होता है तो आपका जो कोर ब्रांच का नॉलेज है ना, जैसे हम सिविल की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का आपका जो नॉलेज है अलग अलग सब्जेक्ट का, स्टील हो गया, RCC हो गया, सोम हो गया, सॉइल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो इसका आपको नॉलेज होता है। और जब आप किसी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं, किसी कंपनी में बैठते हैं है ना, तो इंटरव्यू में आपको ये सब मदद करेगी। और फिर किसी चीज़ का, कोई दूसरा एग्ज़ाम का एंट्रेंस होता है तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। ऐसा तो है ना, एक इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ गेट में एक एग्ज़ाम है, उसे में हम अच्छा किए तो अच्छा किए, नहीं तो अच्छा नहीं किए। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गेट में ही अच्छा कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप गेट के प्रति ज़्यादा सजग रहें तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होता है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, जो आपका आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेसिटी है वो आपका बढ़ता है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो गेट का तैयारी नहीं करिए। अगर आप
कोर ब्रांच में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं। तो भैया मेरा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बहुत बंदा हमसे ये पूछा कि भाई बता कि यदि हम एमटेक कर लेते हैं तो मेरा सिक्योरिटी का क्या है। अगर मान के चलिए कि आप एमटेक कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन में हैं या आपका अभी भी स्ट्रगल जारी है, या मतलब उस सिचुएशन में है कि जॉब हो ना हो ये सिचुएशन है कि ये सिचुएशन बाहर निकल चुके हैं। भैया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग को मतलब जो मिला हम लोग का जो गोल है वो कहीं ना कहीं एक सेटल होना है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे हम थोड़ा सा बताना भी चाहेंगे लोगों को। जैसे आप बताते हैं, हम अभी सिविल सिविल से बीटेक किए हैं और फिर अभी इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहे हैं। तो जैसे हमको जहाँ तक लगता है ना कि जितना कम सिविल इंजीनियरिंग में जॉब है ना, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जॉब है। जैसे बताना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि हो सकता है कि सिविल में आपको लगता होगा कि कम जॉब है, लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेजेस से हैं तो वहाँ पे कैंपस ड्राइव्स होता है, जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है वो अच्छा होता है। जैसे आपको एमटेक में ना दो चीज़ बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जैसे एनवायरमेंटल लॉ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल लॉ में क्या होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी इन्वायरमेंटल लॉ आता है, जितना भी कोड आता है, आईएस कोड आता है ना, क्लियरेंस होता है। जैसे कि आपको मान लो कोई कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे आप कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई कंपनी का आप या सोचते हैं, जैसे प्रोडक्शन आप बेस्ड कभी स्टार्टअप कंपनी। सोचते हैं कि मुझे थर्मल पावर प्लांट टाइप का या फिर वेंड टरबाइन टाइप का है ना, ऐसा कुछ हमको कंपनी अपने फॉर्म में बनाना है ना, जैसे रिलायंस हो गया या फिर टाटा हो गया, तो उस कंपनी उस उसके जो ऑनर होते हैं या उस भैया कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो जो क्वेश्चन था वो अधूरा रह गया। हम फिर से पूछना चाहेंगे कि भैया ये हम लोग को एमटेक करने के बाद जॉब का सिक्योरिटी का क्या हाल है, कि मतलब एमटेक करने के बाद हम लोग मतलब कहीं सेटल हो जाएंगे या कहीं मतलब सिक्योर अपने आप को कर पाएंगे, नहीं तो फिर मतलब क्या मतलब अनकम्फर्टेबल जोन जैसा कुछ रह जाएगा मेरे, तो इसके बारे में तो कुछ बताइए। देखो, ये डिपेंड करता है हमेशा, जैसा तुमको बताया ना कि ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई, अगर आप सिविल नॉर्मल भी कॉलेज से हो, अगर एमटेक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं जहाँ प्लेसमेंट की चांस अच्छा है, जहाँ आपको सब्जेक्ट अच्छे से सिखाए जाती हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइए अपने प्लेसमेंट में, अपने जो आगे का कैरियर है उसमें। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू, हाउ मच यू गेन फ्रॉम गेन इन बीटेक एंड इन एमटेक। इफ योर स्किल एंड योर नॉलेज इज अप टू मार्क, देन यू विल सिक्योर अ गुड जॉब, अदरवाइज अ स्ट्रगल विल गोइंग ऑन, बिकॉज नो वन विल पे फॉर योर फेस। मतलब ये कि यदि आपके पास स्किल है तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है गार्जियन प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि हम बीटेक करने गए तो मेरे घर से ऐसा बोला गया कि तुम बस बीटेक करने तक ही हम दे सकते हैं तुमको, या मतलब घर का ऐसा सिचुएशन होता है कि आप बीटेक के आगे के लिए आप नहीं सोच सकते हैं, मतलब घर में रिक्वायरमेंट है कि आप बीटेक के बाद जस्ट सेटल बिल्कुल हो जाइए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग को मतलब बीटेक करने जाते हैं तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को एमटेक करना पड़ सकता है, या हम लोग को मतलब ये क्या ड्रॉप लेना पड़ सकता देखो, है। एक तो भैया चीज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? हाँ एक चीज हम बताना चाहेंगे ना कि जो इंजीनियरिंग है ना, दैट इज नॉट अ ट्रेनिंग है ना। इंजीनियरिंग एक ट्रेनिंग नहीं है कि आप आइए और ट्रेनिंग कर लिए और ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब फिक्स है। इंजीनियरिंग इज अ कोर्स, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्स किए और नौकरी तुरंत लग जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप अच्छे जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और अभी जैसा कि थोड़ा सा रोजगार का जो अवेलेबिलिटी है, रोजगार का जो ड्राइव है वो कमा है, तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप सिंपली अपने पेरेंट्स से बात करिए, आप अपने जो मेहनत है उसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली आफ्टर पासिंग बीटेक 1-2 ईयर में, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो यू विल गेट अ बेटर प्लेटफॉर्म और आप अच्छे जगह पे अपने आप को पाइएगा।
भैया यदि हमें एमटेक करने को मिल गया तो उसके बाद स्टाइफन वगैरह का क्या कंडीशन है? हाँ, तो जो देखो हम लोग जब एमटेक ज्वाइन करते हैं ना, तो हम लोग का जब एमटेक ज्वाइन करते हैं तो अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको सरकार टीए टीचिंग असिस्टेंट के तहत आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं एग्जैक्टली हम बताना चाहेंगे 12,400 रुपये आपके हर मंथ आपके खाते में आपके अकाउंट में आ जाती है, जिससे आप कॉलेज का फी और अपना बेसिक खर्च आप अपना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ना आपको एमटेक में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, सीजीपीए मेंटेन करना होता है। अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग होता है, जैसे कुछ कॉलेज का 6 आता है, किसी का 6.5 आता है, किसी का 7.0 भी हो सकता है। तो अगर आप उस बेसिक जो सीजीपीए को मेंटेन करते हैं तो आपको आपको जो स्टाइफन है वो नहीं रुकेगी और आप अपना स्टाइफन को एंजॉय कर पाइएगा। और मैंने मानता कि 12,400 रुपया अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना मिल रहा है तो आपके लिए कम है, तो दैट विल हेल्प यू एंड इनफैक्ट आई विल से दिस इज मोटिवेशन फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू डू एमटेक, टू ज्वाइन एमटेक। वी विल गॉट 12,400 यदि पीएचडी करते हैं तो 20,000 से 25,000 तक चला जाता है, 30,000 मिलता है पीएचडी में। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज का पीएचडी का कितना स्टाइफन है, कितना टीए है, उतना तो हम एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30,000 लगभग मिलता है ना। भैया मेरे पास एक दो और क्वेश्चन है, उसमें से एक है कि यदि आप एमटेक करते हैं या एमएस करते हैं या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है एमटेक प्लस पीएचडी ये करते हैं तो इसके लिए जो गेट का जो रैंक होता है, गेट स्कोर जो होता है, उसका वेरिएशन क्या है इसके बीच में? देखो वो डिपेंड करता है, कोई लड़का को मान है कि हम एमएस करें तो वो एमएस के तहत काउंसलिंग करेगा, किसी का मान है कि हम एमटेक करें तो एमटेक के तहत काउंसलिंग करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपको हायर एजुकेशन लेना है तो बीएससी, आप हो सकता है डायरेक्ट पीएचडी में जाइए या फिर एमएस में जाइए, आपको एमटेक करना है तो एमटेक में जा सकते हैं। तो वो हर एक कॉलेज का और हर एक बंदा का अलग अलग चॉइस होता है, तो आप अपना चॉइस देख के, आप अपना इंटरेस्ट देख के अलग अलग कॉलेजेस के साइट पे, अलग अलग आईआईटीज के एनआईटीज के साइट पे जाके आप वहां से इंफॉर्मेशन अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाइएगा, रेदर देन आई विल टेल यू जस्ट फ्यू पॉइंट्स। ओके, तो आई विल सजेस्ट यू शुड हैव टू विजिट द रेस्पेक्टिव कॉलेजेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर इंफॉर्मेशन। भैया ये जो मेरा एक और क्वेश्चन है इसमें है कि वहां का माहौल कैसा है? हाँ, जहां तक देखो माहौल की बात करें ना, तो हम मेरा ही एक दोस्त है जो मेरे ही साथ अभी एमटेक धनबाद से ही कर रहा है, तो वो इसी साल, पता नहीं आपको पता हो या नहीं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसी साल से ना जो गेट है ना एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी गेट का एग्जाम ले रहा है ना। तो वो फर्स्ट साल था उसका, ये बस फर्स्ट बैच फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर गेट एस्पिरेंट। एंड अगर वो गेट दिया ना, तो इस बार उसका परफॉर्मेंस जो था वो 51 रैंक था, है ना, ए सिक्योर 51 रैंक, दैट्स गुड रैंक, है ना। तो अगर आप सिविल के साथ बीटेक करते हैं, एनवायरमेंटल के साथ एमटेक करते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, आप सिविल से भी गेट दे सकते हैं और एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी गेट दे सकते हैं। जहां तक हम धनबाद की बात करें, अगर आप धनबाद ज्वाइन करते हैं तो एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग को इतने अच्छे तरीके से वो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं ना कि आपका गेट में बहुत अच्छा रैंक आने की संभावना बढ़ जाती है, अगर आप उनके, आप कॉलेजेस के प्रोफेसर के जो डायरेक्शंस है उसे आप फॉलो करते जाइए और सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कमांड बना के आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आपका गेट में एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में खासकर बहुत अच्छा रैंक आने वाला है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर किसी बंदे को IIT से MTech करना है ना, तो environmental science and engineering is the good option in which you will face two gate papers, civil and as well as environment, and the number of aspirant in environmental engineering is so much low, and you will secure a good rank, then your opportunity may increase from environmental science and engineering. 50 और मोर देन 50% स्टूडेंट को भी जानकारी नहीं है ना कि हम केवल इन्फॉर्मेंटल से भी हम एमटेक दे सकते हैं, जो जिसका पेपर 2 है। इसी साल से ये शुरू हुआ है ना, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से इसी साल से शुरू हुआ है, तो उसमें गेट स्टूडेंट भी कम है और जो फर्स्ट ईयर में एमटेक में पढ़ाया जाता है ना, जो सिलेबस है ऑलमोस्ट उसका फर्स्ट ईयर में कवर हो जाता है, और जो आप बीटेक में जैसे एनवायरमेंट हो गया, फ्लूइड हो गया, ओसीएफ हो गया, तो
वहां से आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और एमटेक में जो हम लोग नहीं पढ़ रहे रहते हैं, जैसे इकोलॉजी हो गया है ना, फर्स्ट सेम फर्स्ट सेकेंड सेम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, तो वो सब यहाँ से कवर करके और गेट में अच्छा परफॉर्मेंस करने का चांस एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से बढ़ जाता है। और भैया आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस समय आप तैयारी करते थे उस समय आपका मोटिवेशन क्या था, आपका बिलीव क्या था, और कुछ ऐसा बताइए जिससे हम लोग थोड़ा हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले। मेरा शुरू से ना मोटिवेशन था कि मुझे आईआईटी से एमटेक करना है ना, और कि मैं जब सब्जेक्ट को सीख रहा था बीटेक में तो मुझे ऐसा लगा कि एनवायरमेंट इज गुड, क्योंकि एनवायरमेंट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट थी और जो ग्लोबल लेवल पे जितना भी मीटिंग्स होते थे वो सब उनको अट्रैक्ट करते थे, तो आई प्रीफर एमटेक फ्रॉम आईआईटीज एंड दैट्स द गुड मोटिवेशन। मेरा रैंक भी उस लेवल का आ गया और गेट स्कोर भी उस लेवल का था कि हमको आईआईटी से एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल पाया, तो मैंने उस सीट को लॉक कर दिया। और मेरा शुरू से था, जब तैयारी कर रहे थे ना, हमको शुरू से था कि मुझे बीटेक के बाद एमटेक में आईआईटीज में एडमिशन लेना ही लेना है, तो दैट वाज माय मोटिवेशन। ऐसा नहीं था कि मुझे पीएसयू में जाना है और ये करना है, क्योंकि उस लेवल का मेरा रैंक भी नहीं आया, और अगर रैंक भी आता तो मुझे एक बार तो सोचने को मजबूर करता कि यार मुझे तो आईआईटी से एमटेक करना था, हो सकता है मैं ज्वाइन नहीं कर पाता आईआईटी से एमटेक, पीएसयू ज्वाइन करता फैमिली और फाइनेंशियल की वजह से, लेकिन शुरू से ऑप्शन यही रखे थे कि आईआईटी से एमटेक होता है तो मेरे लिए सही है, और उस लेवल उस तरह का मेरा रैंक और मार्क्स भी आया था कि पीएसयू का चांस नहीं बन रहा था, तो मैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी धनबाद ज्वाइन कर लिया। और भैया ईएससी के बारे में आप कभी सोचे थे? ईएससी का एग्जाम दिए थे जो कि जस्ट गेट से पहले था, और मैं उस समय नॉन टेक के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो मेरा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था और वो प्रियम नहीं निकाल पाए थे यार। और भैया आपका कॉलेज लाइफ का एंजॉयमेंट तो हम भी देखे हुए हैं, क्योंकि उस समय तो हम वहीं थे। शायद किसी भी क्षेत्र में कम नहीं कर पाए है ना, हर एक दिन हर एक पल हम एंजॉय करने की कोशिश किए थे। और भैया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, तो अगर फिर से अच्छा कुछ होता है तो तुम्हारे चैनल पे आना पसंद करेंगे ताकि तुम्हारे दर्शकों से बात कर सके। इसलिए भैया मतलब आपका जितना भी हम अभी तक के कॉलेज में हॉस्टल में जितना भी आपका नेचर देखे थे, जिस तरह से आप नेतृत्व करते थे, जिस तरह से आप लोगों को समझाते थे, तो उसके बाद हमको ऐसा लगा कि मेरा जो पहला वीडियो है ना वो आपके साथ आएगा ना तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहला बार हम ये जो मेरा अवेयरनेस का ये जो मेरा वीडियो है ये पहला वीडियो है, और पहला वीडियो में यदि हम आपके साथ बनाएंगे तो देखिए पहला बार बनाने में तो किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, तो हमें लगा कि यदि सामने आप हुईगा तो मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना मतलब मुश्किल होना होता है, तो इसलिए हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं आपके सपोर्टिव नेचर को देख करके कि हम मेरा जो पहला वीडियो आएगा वो दीपक भैया के साथ ही आएगा। उसके बाद तो हम और भी भैया को हम इन्फॉर्म किए हुए हैं कि भैया हम आपको चैनल पर इन्वाइट किए हुए हैं, तो ये मेरा जो पहला वीडियो है वो आपके थ्रू है और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके भैया। शायद ये सपोर्टिव नेचर की जो बात है ना, ये मुझे अपना स्कूल सिखाया था कि ऑन एवरी स्टेप यू शुड हैव टू सपोर्ट व्हाटएवर यू एक्सटेंड यू वांट टू सपोर्ट। किसी के लिए आप कितना हद तक सपोर्टिव बन सकते हैं बस सपोर्ट करिए है ना, ताकि आपको भी सामने वाले लोग सपोर्ट करने से डरे नहीं, हिचके नहीं, और आपको भी लोग सपोर्ट कर पाए, आपके प्रति कंफर्टेबल रहें कि बंदा अच्छा है और इसे भी कोई भी मुसीबत में पड़े तो इसे भी उस मुसीबत से निकालना चाहिए। तो इस कारण से थोड़ा सा मेरा सपोर्टिव नेचर रहा है शुरू से ही और आगे भी यही रहेगा है ना। शायद मेरे ऑडियंस को मेरे आपके बात से थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिला होगा, थोड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला होगा, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भैया। बस दर्शक से एक ही अनुरोध है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को,
अपने दोस्तों के प्रति शेयर करें, है ना, खासकर सिविल इंजीनियरिंग, और जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ताकि उन्हें एमटेक एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में और गेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल पाए। लेकिन हम कहेंगे कि बेटर जानकारी के लिए इस वीडियो के बाद वो रेस्पेक्टिव साइट पे, रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के साइट पे जाके जरूर विजिट करें, ताकि उन्हें और ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा बात करके, तुम्हारा चैनल बहुत ऊपर जाए यही शुभकामनाएं मेरे, थैंक यू भैया, हमारे साथ है ना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ओके, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ठीक है, ओके देन, बाय, थैंक यू भैया।